तो जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने पारदर्शी शीशे की तरह दिखाई देंगी और उसका समाधान भी हमें मिलेगा। महात्मा गांधी से कभी किसी ने पूछा था कि गांधी जी, आप कैसे इतने बड़े देश के लिए राष्ट्र सेवा करते हैं और इतने सारे कार्यकर्ता हैं आपके, लगभग 125 करोड़ कार्यकर्ता थे महात्मा गांधी जी के लिए कार्य करते थे श्रम सेवक। महात्मा गांधी ने बस दो बात कही थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि जीवन में बस दो ही चीज है जिसके कारण से मैं ठीक हूं और मैं कार्य कर पाता हूं देश या राष्ट्र के लिए। पहली चीज ये कि मैं हंसमुख हूं। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं हंसमुख हूं। आप सभी को पता होगा, आपने तस्वीर भी देखी होगी, महात्मा गांधी बहुत कमजोर शरीर वाले थे, शरीर बहुत कमजोर था। आजीवन कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन के मरीज रहे आजीवन, और बीपी की हालत ऐसी थी कि लगभग 200 से ऊपर उनकी बीपी की रीडिंग रहती थी। लेकिन महात्मा गांधी का डॉक्टर रात में सो नहीं पाता था और महात्मा गांधी जी भर के चैन से सोते थे और कभी हार्ट अटैक नहीं आया उनको। इतनी मुश्किल थी कि दूध जो गाय या भैंस का पचा ही नहीं पाते थे। कमजोरी बढ़नी शुरू हो गई तो डॉक्टर ने कहा कि दूध तो पीना जरूरी है, तो बाद में बकरी का दूध पिलाना शुरू किया गया। लेकिन वही गांधी जी जब पदयात्रा करते थे तो पैदल चलते थे और साथ के लोग दौड़ते थे, इतनी गति थी उनकी चाल में। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था कि महात्मा गांधी इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उतरने से पहले साउथ अफ्रीका से आने के बाद वो लगभग 7-8 साल बहुत एकांतवास उन्होंने किया और गहन अध्ययन किया हमारे ग्रंथों का पुराणों का, बहुत मौन रहा करते थे। और एक व्रत जिसके लिए बचपन से आजीवन उन्होंने सोचा था कि मैं उस सत्य व्रत का पालन करूंगा, तो सत्य व्रत के पालन करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से उन्होंने तैयार किया था। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं अगर हसमुख नहीं होता तो कब का मैं आत्महत्या कर लेता हमारे देश की समस्याओं को देखते हुए। तो हंसने की जो कला है मेरी, उसके कारण से मैं जीवित हुए, क्योंकि शरीर तो साथ नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी हंसने की कला से ऊर्जा मिलती है। मगर अफसोस की बात है, अब तो हम हंसना भी बंद कर दिया है, आजकल हम हंस भी नहीं पाते हैं। करीब 8-10 साल पहले एक बाबूजी से मेरी मुलाकात हुई, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। जब उनसे मुलाकात हुई मैंने कहा कि बाबूजी आपको हमेशा मैं देखता हूं आप सीरियस ही रहते हैं, कभी हंसते नहीं है। तो कहते हैं स्वामी जी एक बात बताइए, कौन सी ऐसी चीज इस देश में हो रही है, इस समाज में हो रही है जिसको देखकर मैं हंसू। मैंने कहा कि क्यों, बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही है। तो कहते हैं आप देखो ना अखबार। बाबूजी की रोज की दिनचर्या क्या थी, माता जी चाय बनाकर दे देती थी, चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं और साथ में अखबार वाले भैया अखबार भी लाकर दे देते थे और बस पूरे अखबार को चाट जाते थे वो। और अखबार में तो कहीं घोटाले, कहीं बलात्कार, कहीं चोरी, कहीं डकैती, कहीं कुछ सकारात्मक बातें तो होंगी नहीं। उनको पढ़ पढ़ के कहते थे देश में इतना बुरा है, समाज में इतना बुरा हो रहा है, गांव में इतने बुरे लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, बस सारी नकारात्मकता का कचरा अपने दिमाग में डाल लेते थे और दिन भर चेहरा लटकाए हुए घूमते रहते थे। गांधी जैसे लोग, मैं तो यही उनसे सोचता था, बाबूजी को कहता था कि बाबूजी अगर आपके जैसे गांधी जी भी अगर नहीं हंसते तो शायद हो सकता था इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाते। वो कहते मैं भी हंसूंगा लेकिन जिस दिन देश समाज हमारे अनुसार होगा उस दिन मैं हंसूंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि लगभग कुछ सालों के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई लेकिन अंतिम अंतिम समय तक उनके ख्वाहिशों का देश नहीं बन पाया। उनकी ख्वाहिशों का या हमारी भी ख्वाहिशों का देश या समाज बन जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता है। लेकिन कम से कम भगवान ने जो कहा हंसने की कला, वो नहीं भूलनी चाहिए। दूसरी जो सबसे गहरी बात महात्मा गांधी ने की थी, जब पूछा था कि गांधी जी आपको बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कहां से मिलता है, कहां से पता चलता है कि क्या कदम उठाना चाहिए, क्या फैसले लेने चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं तो भगवत गीता को, वो भगवत गीता को भगवत गीता नहीं कहते थे, वो कहते थे गीता माता। महात्मा गांधी कहते थे मैं अपनी गीता माता को हमेशा साथ में रखता हूं और जब भी उलझता हूं तो बस कुछ 4-5 पन्ने पलट देता हूं, देख लेता हूं, बस समाधान मिल जाता है, बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। ये ग्रंथों की शक्ति है, ये महापुराणों की शक्ति है। अगर 1000 बार कोई इंसान भगवत गीता को पढ़े या देवी भागवत महापुराण को पढ़े तो 1000 तरह के नई नई बातें उसको मिलती हैं। ऐसी ऐसी गुत्थियां, ऐसे ऐसे सूत्र, ऐसे ऐसे रहस्य इसमें छिपा कर रखे गए हैं।